हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं जेएसपी एंड सर्वलेट सीरीज। और पिछले सेशन में हमने देखा था कि मेवन का डायरेक्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है और मेवन एप्लीकेशन या मेवन प्रोजेक्ट को हम कैसे रन करते हैं। आज के सेशन में हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे सिंपली। अब डेटाबेस के लिए आप ओरेकल डेटाबेस या PostgreSQL या फिर आप MySQL कोई सा भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर MySQL डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करके उसमें एक टेबल क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी हम इस बारे में कर चुके हैं, बट एक बार फिर से हम इसको करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको इस आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं इस डेटाबेस का जो नाम देता हूँ, मैं यहाँ पर अपने नाम पे रख लेता हूँ। उसमें डेटाबेस का मैं नाम रखता हूँ अरविंद। देन हम इसको अप्लाई ये हमारे पास क्या हो चुका है, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कमांड यूज़ करते हैं। कमांड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर किस पर्टिकुलर डेटाबेस में हमें वर्क करना, तो उस डेटाबेस को हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम किस डेटाबेस में वर्क करना है। क्योंकि हमने यहाँ पर डेटाबेस का जो नाम रखा हूँ अरविंद रखा, तो उसके लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं यूज़, और यहाँ पर हम लिखते हैं अरविंद। देन क्या करते हैं, हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपको इस आइकॉन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे बता रहे कि यूज़ अरविंद डेटाबेस। आपको सेमी कॉलम लगाना ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, इस डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे क्रिएट, कमांड होगी हमारे क्रिएट टेबल, और यहाँ पर हम इस टेबल का नेम देंगे। तो टेबल हम यहाँ पर एक स्टूडेंट टेबल रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पर हमें स्टूडेंट टेबल में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमें इसमें कितने कॉलम की रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर हम इसमें दो कॉलम रख लेते हैं। पहला है रखते हैं आईडी, और ये किस टाइप का होगा, हमारा इंटीजर। और हम इसकी रेंज रख लेते हैं कि जो आईडी होगी वो हमारी मैक्सिमम 20 कैरेक्टर की होगी, मीन्स किसी भी स्टूडेंट की आईडी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। देन हम क्या करेंगे, नेम। तो यहाँ पर हम लेंगे नेम, और जो नेम हम लेते हैं आप वेयर केयर। ऑलरेडी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि हम यहाँ पर वेयर केयर क्यों लेते हैं, क्योंकि हम सिंपली अगर कैरेक्टर लेंगे तो वो क्या करेगा, जितनी हमने इसमें लेंथ दी है, सपोज यहाँ पर हमें 20 लेंथ दिया, तो वो हर बार क्या करेगा, 20 मतलब 20 कैरेक्टर के लिए लेंथ ही लेगा। बट अगर मैं वेयर केयर लेता हूँ, तो वेयर केयर के केस में क्या होगा, अगर मैंने 3 कैरेक्टर का कोई नाम है, सपोज राम है, तो वो क्या करेगा, 3 कैरेक्टर ही मेमोरी लेगा। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं वेयर केयर को। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और इसमें अब हम क्या करते हैं, जो स्टूडेंट टेबल किया है इसमें हम कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं क्वेरी, करते हैं इंसर्ट इनटू, और यहाँ हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा अपने टेबल का नेम। तो यहाँ पर हमने टेबल का जो नाम दिया है स्टूडेंट, और इसमें हम देते हैं वैल्यूज यहाँ पर मैं देता हूँ 1, और यहाँ पर इसका जो नेम देते हैं वो हम देते हैं राम, अब हम क्या करते हैं, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट इनटू, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें और वैल्यू इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लेता हूँ श्याम, देन अगेन इसको एग्जीक्यूट कर लेते, एक और हम नेम इसमें ऐड कर लेते 3, और यहाँ पर हम लेते हैं मोहन। तो अब हम क्या करते, अगेन इसको एग्जीक्यूट कर लेते। अब हम क्या करते, इस टेबल का जो डेटा हमने इंसर्ट किया उसको हम यू करते। तो उसके लिए हम करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम स्पेसिफाई करेंगे ना टेबल का नेम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट।
अब हम क्या करते हैं, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी एक टेबल क्रिएट हो चुकी है, और इसमें अगर आप इस टेबल में देखेंगे तो हमारे पास दो कॉलम है, पहला आईडी और दूसरा नेम। आप एक और इसमें ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक मार्क्स या एज या और भी चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे सेशन कौन सेक्शन कौन सा है, ए है बी है, तो इस तरह आप सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। तो ये था, हमने देखा कि MySQL में हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।